मेरा नाम फातिमा हमदानी है और मैंने फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लाहौर से एमबीबीएस किया और उसके बाद मैं हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब अपनी कंप्लीट की मेडिसिन एंड सर्जरी में। एंड 2015 में मैंने अपना एफसीपीएस मेडिसिन कंप्लीट किया फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। और 2015 में ही मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से एमआरसीपी कंप्लीट किया यूके से। एंड करेंटली मैं एज कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रही हूँ और एज इंटरनिस्ट। और इसके अलावा मैं एक ओबेसिटी क्लिनिक, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ क्लिनिक भी उसके साथ साथ यूके के मेरे डॉक्टर कॉलीग्स हैं उनकी हेल्प से रन कर रही हूँ। बेसिकली जनरल फिजिशियन, पहले तो मैं ये बता दूं कि इंटरनल मेडिसिन क्या होती है। इंटरनल मेडिसिन मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें कि हम बड़ों की बीमारियों को तशखीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसकी आगे से डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें दिल की बीमारियों का शोबा है, गुर्दे की बीमारियों का, फेफड़े की बीमारियों का, इसके अलावा जोड़ों की बीमारियों का, शुगर और ब्लड प्रेशर के। अब इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं बट ओवरऑल जो होता है जनरल फिजिशियन, कोई भी पेशेंट सबसे पहले अगर जनरल फिजिशियन के पास आते हैं तो वो उनकी बीमारी की तशखीस करके और उसको इनिशियल ट्रीटमेंट, इब्तदाई इलाज जो है उसका शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा और इसके अलावा दिल के कुछ अमराज, जोड़ों के अमराज और डिफरेंट जैसे सीजनल एलर्जीज, इस तरह के इलाज होते हैं, इन सब का फिजिशियंस जो हैं वो इलाज करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर उस मरीज़ को जो है वो आगे इब्तदाई तशखीस करने के बाद उसके माहिर डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। सो बेसिकली जो जनरल फिजिशियन होते हैं वो तशखीस भी करते हैं, इलाज भी करते हैं, आगे पेशेंट को एक्सपर्ट्स के पास रेफ़र भी करते हैं और इसके अलावा बीमारियों की रोकथाम में भी उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एनुअल चेकअप्स जो होते हैं, हर ये रिकमेंडेशन है कि हर शख्स को, मेल और फीमेल, उसको हर 6 मंथ्स के बाद अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए। तो जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो जब उनके पास आते हैं पेशेंट्स तो वो उनको रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए और उनको फिर उसके बाद उनको देख भी लेते हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे एनुअल वैक्सीन या सालाना वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन या इन्फ्लुएंजा, और उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों की रोकथाम में भी जनरल फिजिशियन का रोल होता है। जनरल फिजिशियन स्पेशल इस तरह से होता है कि आजकल एमबीबीएस के बाद इंटरनल मेडिसिन में 4 इयर्स का और 5 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि कंप्लीट करने के बाद जो जनरल फिजिशियन होते हैं वो कंसल्टेंट फिजिशियन बन जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में एफसीपीएस मेडिसिन है या फिर यूके में एमआरसीपी और यूएस में एमडी मेडिसिन होता है। और उसको कंप्लीट करने के बाद उनको इंटर्निस्ट कहते हैं, मेडिकल इंटर्निस्ट। और वो स्पेशल इस तरह से होते हैं कि जनरल फिजिशियन आपका जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में फर्स्ट एनकाउंटर जनरल फिजिशियन के साथ ही होता है। और जनरल फिजिशियन जो होते हैं वो उसको आपके मर्ज़ को तशखीस करने के बाद उसको ट्रीट करते हैं और इस तरह से ये उसको स्पेशल बनाता है जनरल फिजिशियन को, कि उसका रोल जो है आपके तशखीस में भी है, बीमारियों की रोकथाम में भी है और उनके इलाज में भी है। जनरल फिजिशियन या इंटरनिस्ट कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं? वेल, इसका जवाब ये है कि फिजिशियन जो होता है वो ऑलमोस्ट हर बीमारी को देख सकता है इनिशियली। फॉर एग्जांपल शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के अमराज, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसके अलावा जो सीजनल अटैक्स होते हैं जैसे फ्लू के, या कोई वबाई अमराज जैसे आजकल चिकनगुनिया है, चिकन पॉक्स है, डेंगी फीवर है, या इस तरह के अमराज होते हैं। इसके अलावा जो
बीमारियां होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलती हैं, फॉर एग्जांपल जिगर की बीमारियां या दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और इस तरह के जो अमराज होते हैं, इनको भी जनरल फिजिशियन देख सकते हैं। ऑल दो के आजकल स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे गुर्दे के अमराज की अलग-अलग स्पेशलिटी है, या फिर फेफड़ों के अमराज की या इस तरह की, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को तब रेफर किया जाता है जब वो ऐसी डिजीज़ हो जिसको सिर्फ स्पेशलिस्ट ही देख सकता है, वरना इनिशियली जो है इन सारी डिजीज़ को या इन सारी बीमारियों को फिजिशियन ही देखते हैं। आजकल कॉन्सेप्ट है कि फिजिशियन जो है वो सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या इस तरह की बीमारियों को एड्रेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिजिशियन जो है वो तमाम बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं और ये उनकी डोमेन में आता है। इसके अलावा जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एनुअल रूटीन चेकअप्स, वैक्सीनेशंस और उन सबको भी फिजिशियंस ही डील करते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से मरहम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मरहम ऐप पे जाके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।